वेलकम बैक दोस्तों। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट के बारे में। तो एक रिपोर्ट हाथ लगी है जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड। कार्यालय कलेक्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, भूमि अधिग्रहण गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के विकास के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत 6 ग्राम रोही, पारोही, किशोरपुर, बनवारी बास, रनेरा व द्यांतपुर की कुल अधिग्रहित व अधिनिर्णित 1239.1416 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 90% भूमि के प्रभावित काश्तकारों द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर ली गई है। ठीक है, ऐसे 10% कृषक जिन्हें प्रतिकर प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत नोटिस के माध्यम से, सार्वजनिक सूचना एवं ग्राम में लाउड स्पीकर के माध्यम से, बुनियादी कराने इत्यादि तरीके से सूचित करने के उपरांत भी प्रभावित काश्तकारों द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर की धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 76 व 77 में प्रावधानित प्रक्रिया या प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अप्राप्त राशि यानी धनराशि को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन प्राधिकरण के जनपद कोषागार में संचालित लेखा शीर्षक नन PLA खाते में जमा कराया जा चुका है, जिसे संबंधित हितबंद व्यक्ति, ठीक है, आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर न्यायालय भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन प्राधिकरण से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसे कृषक जिनकी अधिनिर्णित प्रतिकर की धनराशि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 76 व 77 के अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन प्राधिकरण के जनपद कोषागार में संचालित लेखक शीर्षक नॉन PLAC खाते में जमा कराई जा चुकी है, उनकी अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा निम्न क्रमानुसार प्राप्त किया जाएगा। किशोरपुर 20.46861 हेक्टेयर जमीन का जो कब्जा प्राप्त किया जाएगा वो 15/1/2020 को प्रातः 11 बजे, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय किशोरपुर पर कब्जा प्राप्त किए जाने का स्थान है। बनवारीवास का 0.0247 हेक्टेयर भूमि का, ठीक है, 15/1/2020 प्राप्त 11:30 बजे, ठीक है। रनहिरा 17.3414 हेक्टेयर जमीन 15/1/2020 12:30 बजे, ठीक है, आदर्श इंटर कॉलेज रनहिरा में। और 36.04207 इसका प्राप्त किया जाएगा 16/1/2020 को प्रातः 11:30 बजे, ठीक है। और पारोही का 6.46381 हेक्टेयर जो जमीन है उसका प्राप्त किया जाएगा 16/1/2020 यानी 11:30 बजे प्राथमिक विद्यालय रोही, और कुल योग होगा इसका 80 के करीब में, ठीक है। अतः प्रभावित हितबद्ध काश्तकारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यानुसार मौके पर उपस्थित होकर, ठीक है, उपरोक्त अनुसार उल्लेखित ग्राम पर भूमि का भौतिक कब्जा सरकार के पक्ष में अंतरित करना सुनिश्चित करें। ऐसे प्रभावित काश्तकारों की सूची जिनसे भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाना है उसे क्षेत्रीय लेखपाल के पास प्रभावित ग्राम में जिला प्रशासन द्वारा संचालित कराए गए जन सुविधा केंद्रों पर देखा जा सकता है। तो बिल्कुल उपयुक्त को पढ़ने के बाद में ये निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि जो जमीन है लगभग 80 हेक्टेयर तो उसका कब्जा कैसे कैसे लिया जाएगा, किस किस डेट में लिया जाएगा, ये तिथि वार दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड आज ही जुड़ जाइएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर विद विनोद से। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।